यूपी ग्राम पंचायत सहायक भर्ती में हो रही बड़ी भर्ती प्रक्रिया में यहाँ पर एक और नोटिफिकेशन आ गई है, जिसमें कंफर्मली यहाँ पर डेट कंफर्म कर दिया गया है कि 7 सितंबर तक जो है आप सभी के मेरिट लिस्ट जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट किस तरीके से तैयार की जा रही है और आपकी मेरिट लिस्ट किस तरीके से पूरे प्रोसेस के साथ है, किन किन अधिकारी को पास जाएगा, किन किन अधिकारियों ने इसका जो है आप सभी के मूल्यांकन करेंगे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, आपकी एलिजिबिलिटी को कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर टेस्ट करने वाले हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किस तरीके से यहाँ पर आप जो मेरिट लिस्ट बनने के लिए किन किन अधिकारियों के बीच से होकर के आपके फॉर्म गुजर रहे हैं, ऐसे में पूरी जानकारी आ गई है कि अब जो है 7 सितंबर तक जो है आप सभी की यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी करके आप सभी की भर्ती में नियुक्ति कर दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आज 20 अगस्त है और आज के दिन जो सुनवाई होने वाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 24 या 25 अगस्त को इसके बारे में सुनवाई होगी। बहरहाल यहाँ पर जब सारी प्रक्रियाएं अभी भी चल रही हैं, सारी मेरिट लिस्ट तैयार हो रही हैं, तो ऐसे में दोस्तों इसमें सुनवाई वगैरह अब यहाँ पर कुछ नामुमकिन सा ही लग रहा है, क्योंकि सारी अगर रोक लगनी होती तो यहाँ पर जो है मेरिट बनना बंद हो गया होता, लेकिन यहाँ पर मेरिट बनना अभी भी स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर सारी प्रक्रिया को कम्प्लीटली जो है पूरे करने का यहाँ पर ऑर्डर भी मिल गया है कि 7 सितंबर तक आप सभी के यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी करने के बाद आप सभी की नियुक्ति कर दी जाएगी। तो चलिए क्या है नोटिफिकेशन वीडियो के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही इससे जुड़ी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले दोस्तों आपको दिखा देते हैं ये जो न्यूज़ वेबसाइट लाइव हिंदुस्तान की तरफ से दोस्तों इसे आज पोस्ट किया गया है, देख देते हैं 20 अगस्त यहाँ पे डेट दे रहे 2021 9:58 AM पर। तो यहाँ पे देखेंगे पंचायत सहायक भर्ती शीर्षक दिया गया है और यहाँ पे बताया गया कि 7 सितंबर तक जारी हो जाएगी मेरिट लिस्ट, जाने कब से शुरू होगी नौकरी, यानी कि आप सभी की यहाँ पर नौकरी जो है आप अपना कब से कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों यूपी के हर जिले में पंचायत सहायक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, आवेदन पत्र जमा हो चुके हैं, इस समय उनकी जाँच का काम चल रहा है, इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी। अधिकांश जिलों के हर ब्लॉक पर बड़ी संख्या में आवेदन पहुँचने से स्क्रूटनी में यहाँ दिक्कत हो रही है, यानी कि यहाँ उसकी छटैया करने में दोस्तों उसका जो है पूरा का पूरा इतना फॉर्म बन रहा है कि अगर एक ग्राम पंचायत में दोस्तों काफ़ी फॉर्म यहाँ पर जो है आ चुके हैं, जिसके कारण यहाँ पे दिक्कत हो रही है, जिसे कर्मचारी बड़ी सावधानी के साथ आवेदन पत्रों की जांच कर रहे हैं। तो इतनी एक ब्लॉक पर जो है दोस्तों बड़ी बड़ी संख्या में, अगर एक ब्लॉक के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर 40 ग्राम पंचायतें हैं तो उस पर 4,000-5,000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर आ चुके हैं फॉर्म वगैरह। तो देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ बताया भी गया है कि मेरठ में खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र कुमार व सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रदीप शर्मा ने बताया कि ब्लॉक की 47 ग्राम पंचायतों पर पंचायत सहायकों पदों के लिए 405 आवेदन आए हैं, 23 अगस्त तक इनकी सूची तैयार की जा रही है। साथ ही दोस्तों 24 अगस्त को जो है ब्लॉक कार्यालय में सूची जो भेजी जाएगी, उसके बाद ब्लॉक से ग्राम पंचायतों पर भेज दी जाएगी ये सूची। तो देखिए यहाँ पर 23 अगस्त तक जो है इनकी सूची तैयार की जाएगी, यानी कि सूची जो है बनाने का कार्य, यानी कि यहाँ पर छटैया का काम चालू हो चुका है, जिसका दोस्तों यहाँ पर 23 तारीख कर ये कार्य चलने वाला है। 23 तारीख को यहाँ पर जैसे ये काम पूर्ण कर लिए जाते हैं तो 24 अगस्त को ब्लॉक कार्यालय में ये सारी सूचियां भेज दी जाएंगी, उसके बाद ब्लॉक से दोस्तों ग्राम पंचायतों में ये सूचियां भेज दी जाएंगी। तो वहां पर प्रधान और पंचायत सचिव इनकी वरीयता सूची तैयार करेंगे, यानी कि जिन ग्राम सभा से जितने लोग आवेदन किए हैं उन ग्राम प्रधानों को उनके ही ग्राम सभा के जितने ही फॉर्म हैं उन्हें सौंप दिए जाएंगे और वो जो है उसमें ग्राम पंचायत और पंचायत सचिव मिल करके जिसकी वरीयता जो है अधिक यहां पर होगी, जिसके लिए एलिजिबल होगा कम्प्लीटली, उसकी जो है सूची यहां पर तैयार करेंगे कि नंबर वन पर कौन है, सेकेंड पर कौन है। तो ग्राम पंचायतें जो है ये कार्य 31 अगस्त तक पूरा कर लेंगी, उसके बाद इसे पूरा करने के बाद इस सूची को ब्लॉक कार्यालय पर भेज देंगे ये सारे ग्राम पंचायतें, जिन जिन ग्राम पंचायतों में ये सूचियाँ भेजी जाएंगी। तो जब ग्राम पंचायतें जो है ये ब्लॉक कार्यालय में भेज देंगी, फिर ब्लॉक वाले क्या करेंगे दोस्तों, ब्लॉक कार्यालय से वरीयता सूची के साथ सभी आवेदन जिला मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय पर भेज देंगे। तो अब इसकी जो वैकेंसी है वो दोस्तों यहाँ पर डीएम के द्वारा जो है आपके डीएम स्तर पर ये वैकेंसी जो है नियुक्त होगी। तो जब यहाँ पर आपके जिले पंचायत राज अधिकारी के पास आपके फॉर्म चले जाएंगे, आपके ग्राम प्रधान के
छटैया करने के बाद, मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद, उसके बाद यहाँ पर डीएम द्वारा जो है गठित समिति 7 सितंबर तक परीक्षण कर नियुक्ति सूची जारी कर देगी। यानी कि डीएम द्वारा ये जो है आप सभी के सिलेक्शन वगैरह होने हैं, तो यहाँ पर खुद वो जांच करेंगे तो इसके लिए कौन 100% एलिजिबल है, उसकी सूची यहाँ पर तैयार करके उसकी नियुक्ति जो है कर दी जाएगी। 8 सितंबर को पंचायत सहायक की नियुक्ति हो जाएगी और उनकी नौकरी शुरू हो जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, जिसमें हमने आपको बताया कि इतने इतने तारीखों तक, इतने इतने पंचायतों तक इस तरीके से यहाँ पर आपके फॉर्म को भेजा जाएगा और फाइनली 8 सितंबर को आप सभी की नियुक्ति यहाँ पर कर दी जाएगी डीएम के द्वारा। तो ये छोटी सी नोटिफिकेशन थी दोस्तों, जिसके माध्यम से हम आप लोगों को कंफर्म करना चाहते थे कि यहाँ पर अब इसके लिए सुनवाई की जो डेट वगैरह होनी थी आज, वो तो कैंसिल हो चुकी है, स्थगित हो चुकी है। अब इसके लिए 24 या 25 अगस्त को हो क्या नोटिफिकेशन निकलती है, हम आपको जरूर बताएंगे वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो चली गई हो तो लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।